अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बड़गाम शहर में कांग्रेस और भाजपा दोनों की जानिब से कुव्वत आजमाई जा रही है। वैसे तो मुसलमान इस बार भी हमेशा की तरह कांग्रेस ही को वोट करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। लिहाजा वोटिंग फीसद को मजीद ज्यादा करने की कोशिशें कांग्रेस उम्मीदवार की जानिब से या यूं कहें कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से की जा रही है। असद खान सोसाइटी में खास तौर से आज के इजलास में खवातीनों ने कसीर तादाद में शिरकत फरमाई थी। कांग्रेस के इजलास में खवातीनों की कसीर तादाद के पीछे मोहतरमा कारपोरेटर रेशमा भैरकदार की मेहनतों का हिस्सा काफी रहा। बड़ी तादाद में खवातीन काफी देर तक बैठी रही, जिस पर खुशी का इजहार रियासत के वजीर मोहतरमा लक्ष्मी हब्बाकर ने भी किया और कारपोरेटर रेशमा भैरकदार की तारीफ फरमाई। वाजा रहे वीरभद्र नगर असद खान सोसाइटी में कई सारे तरक्याती काम यहाँ के कारपोरेटर रेशमा मैडम के जेर निगरानी अंजाम दिए जा रहे। खैर, आज का इजलास काफी कामयाब रहा। इस वक्त साबिक एमएलए जनाब फिरोज सेठ साहब मौजूद रहे, मौजूदा एमएलए जनाब आसिफ राजू सेठ साहब, कारपोरेटर बाबा जान मतवाले साहब, कारपोरेटर मुजम्मिल डोनी साहब, नौजवान कैद अमान सेठ भी इस वक्त मौजूद रहे। कैम जमात के जनाब गौस धारवाड़कर, एमएलसी चंद्रराज हट्टीवली, जनाब इकबाल डोनी साहब, गांधीनगर के कारपोरेटर जनाब अजीम पटवेगार साहब, अशोकनगर के कारपोरेटर जनाब रियाज किलेदार साहब और दिगर मेहमानान इस वक्त मौजूद रहे। तमाम मेहमानान ने अपने ख्यालात का इजहार किया और मेहमानान की गुलपोशी फरमाई। रियासत की वजीर लक्ष्मी हब्बाकर ने खवातीनों से मिलकर उनकी मुश्किलों को जानने की भी कोशिश की। आइए देखते हैं आज के इजलास के कुछ मंजर। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مهدما لكشمي أكا هبالكر मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ कर्नाटका। मैं आप तमाम की जानिब से मस्जिद कैद की सदर अरकान की जानिब से और तमाम असद खान सोसाइटी की जानिब से आपका दिल से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। मैम को दुआएं और रेशमा भैरकदार की, समीर तांबड़ी साहब को सदर। इवत्तु हम आपके सामने आने वाला मई 7 तारीख लोकसभा चुनाव के प्रचार सभा और आप सबको रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं कि 7 तारीख को सब लोग अपना काम एक दिन बाद में कीजिए। सब लोग घर से बाहर निकल के कांग्रेस पक्ष और हमारे कैंडिडेट मृणाल हेबाड़कर के लिए उस दिन आप वोटिंग कीजिए करके रिक्वेस्ट करने के लिए इधर आए हैं। कर्नाटक राज्य में कांग्रेस पक्ष का सरकार है। आज के इस महंगाई के टाइम में 5 गारंटी का हम सबको देख के उस महंगाई में हमारे लोगों को थोड़ा मदद किया है। आने वाले समय में केंद्र में कांग्रेस का सरकार आएगा और उसके साथ केंद्र से भी 5 गारंटी हमारे लोगों को आएगा। आज बेलगांव सिटी में कांग्रेस के एमएलए हैं, उसके साथ अगर हम दिल्ली को हमारे कांग्रेस से एक एमपी भेजेंगे तो दोनों मिलके बेलगाम शहर का डेवलपमेंट करेंगे। राज्य में कांग्रेस का सरकार है तो फंड का कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसके साथ
एमपी का सहकार भी मिलेगा तो बेलगाम सिटी और डबल डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। कर्नाटक राज्य में बेंगलुरु को छोड़ने के बाद ये दूसरा बहुत बड़ा सिटी है, इसमें सबको अमन शांति से रहना है। आने वाले दिनों में हम सबको कांग्रेस पक्ष के लिए वोटिंग करना है और हमारे कैंडिडेट को जिताना है और हमारा काम करके लेना है और एमएलए साहब को और डेवलपमेंट करने के लिए एक एमपी देंगे तो और डेवलपमेंट होगा। अगर हमारी कांग्रेस पार्टी अगर सेंटर में आई, इंडिया अलायंस अगर सेंटर में आया तो सालाना 1,00,000 रुपया हमारे बहनों बेटियों के लिए मिलेगा, तो महीना 8,500 रुपये वो और 2,000 रुपये ये 10,500 रुपये आपको मिलेंगे। आप जानते हैं कि आपको बस भी फ्री कर दी गई है, लाइट भी फ्री कर दिया गया है, हर एक वोट हमारे बुजुर्गों का भी, हमारे बड़ों का भी, हमारे नौजवानों को भी, हमारे माएं का भी, हमारे बहनों का भी और हमारे बेटियों का भी। उस रोज 7 मई को हर जाके हर एक ला जाके वोट करे, क्योंकि वहां पे हमें हमारी सरकार लानी है। तो यहां से हम नुमाइंदा एक भेजेंगे निर्णालय पालकर को, वहां जाके वो हाथ उठाएगा हमारी सरकार बनाने में, करेंगे ना वोट आप सब, कि सुस्ती बंद करेंगे, पानी आया है, हाँ मैं बाद में जाता हूँ, धूप बहुत है, हाँ खाना खा के खाना बना के जाता हूँ, नहीं जैसे फजर होती है लाइन लगा के पहला वोट कीजिए, जैसे मेरे लिए आपने वोट किया था, फजर की नमाज पढ़ के आप गए थे ना वोट करने, तो मैं आपके सामने आपका बंद आया होके खड़ा हूँ आज, वैसे ही जाके आप वोट कीजिए तो हमारा मृणाल बेटा भी हमारा वोट लेके वो भी दिल्ली जाएगा। हम इधर आए हैं 2024 के लोकसभा इलेक्शन के लिए, कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं मृणाल हेबाड़कर, उनको आप आशीर्वाद करें, उनके लिए हम रिक्वेस्ट करने के लिए आज आपके सामने हम उपस्थित हैं। हमारे कारपोरेटर रेशमा मैडम, बहुत अच्छा आपने प्रोग्राम आज किया हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए हमारे तरफ से और पार्टी के तरफ से आपका हम शुक्रगुजार हैं। हमने 5 गारंटी हमारे माँ बहनों को हम देंगे करके, क्योंकि कोरोना के बाद डीमोनेटाइजेशन के बाद महंगाई इतनी बढ़ गई कि लोगों को जीना मुश्किल हो गया, इसके वजह से हमने 5 गारंटी हमने अनाउंस किया। मैं चाहती हूँ, मैं देखना ये चाहती हूँ कितने मेरी माता बहनों को गृहलक्ष्मी का 2,000 रुपए महीना एक महीने के लिए आते, हाथ थोड़ा उठाएंगे क्या बात, तो बटन बराबर दबा रही हूँ, सभी को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी बोले तो एक कमिटमेंट वाला पार्टी, हम एक जो कमिटमेंट है सोसाइटी के तरफ, लोगों के तरफ, महिलाओं के तरफ, युवकों के तरफ, बुजुर्गों के तरफ, शेतकरियों के तरफ, हम एक कमिटमेंट लेके जो हम वादा करते हैं उसको हम पूरा करते हैं। अगर मृणाल हेबाड़कर जीतेगा तो बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन होगा और ज्यादा से ज्यादा काम होगा। और मृणाल हेबाड़कर को वो तो लोकल लड़का है, वो तो घर का बेटा है, वो थोड़ी ना हुबली धारवाड़ से, मतलब क्या बोलते हैं, पैराचूट से थोड़ी ना आया है, पैराचूट लैंडिंग नहीं है मृणाल का, पैदा हुआ है बेलगाम में, पढ़ा लिखा है बेलगाम में, इधर ही घर है, घर बांधा है 20 साल पहले, तो बेलगाम के जो घर का बेटा चाहिए, हुबली धारवाड़ का चाहिए, घर के बेटे को मदद कीजिए और 100% वोटिंग कीजिए, एक भी घर में बैठा नहीं चाहिए इस बार, करेंगे पक्का वादा। और एक बार आप सभी से कहना चाहती हूँ, 7 तारीख को सुबह 10 बजे के अंदर, कितना भी धूप हो, कितना भी लंबी कतार हो, आइए और वोट कीजिए, धन्यवाद, कांग्रेस पार्टी को जिताइए। याद हर चीज को रखना चाहिए, हर चीज का जवाब तब का तब देना बेवकूफी है, जवाब देने का वक्त आपको मिलेगा ही, और आज शायद वक्त आ गया है जवाब देने का।
मेरी बहनों को मैं समझाऊं कि ये जो बच्चा यहाँ, ये जो फोटो है लास्ट में, ये मृणाल हेपाळकर है। हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में करीब पूरे हिंदुस्तान से अब इलेक्ट होकर के करीब 542 या 43 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं, अलग 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 पूरे हिंदुस्तान से, और जिसके 272 से ज्यादा लोग एमपी चुने जाते हैं, मतलब इंडिया अलायंस के, उसके साथ जो हमारे साथ जुड़े हुए पार्टियां हैं, जो हमारी सोच रखते हैं, हमारी आइडियोलॉजी रखते हैं, तब उनकी सरकार बनती है और तब एक अच्छा माहौल जहां हर मजहब का आदमी, इंसान हिंदुस्तान का, उसे एक ही नज़र से देखा जाता है, ना कि तोड़ जोड़ करके, ना कि निकाह नीचा दिखा करके, ना कि झूठे इल्ज़ाम लगा करके, ना कि बुलडोजर लगा के उसका घर तोड़ दिया, ना कि उस पर कोई हत्या का जुर्म लगा के झाड़ पे टंगा दिया। ऐसे बहुत से हादसे हैं, आप सुन चुके हैं, या तो घर जाके थोड़ी याददाश्त ताजी कर लीजिए। तो आपको इन सब की हिंदुस्तान में जो अकलियतें हैं, उनकी लड़ाई आपको लड़ना है 7 तारीख को, मामूली बात नहीं है। एक सरकार को, बैठी हुई सरकार को, जो जुर्म ढा रही है उसको हलाना मामूली बात नहीं है, लेकिन उतना मुश्किल भी काम नहीं है अगर हम बेदादी नहीं करते हैं तो। जालिम का साथ देना, जुर्म के हिस्सेदार बनना, जुर्म को खामोशी से सहता हुआ देखना और जुर्म होने देना, ये सबसे बड़ा गुनाह होता है। और अगर हम अपनों को नहीं बचा सकते तो फिर कौन बचाएगा हमको कल? आपको 7 तारीख को, बाकी सब बातें भूल जाएंगे, वो क्या बोला, ये क्या बोला, ये नहीं बुलाया, बाबा जान कहाँ था, मैं ढूंढ रही थी, चिट्ठी ला के नहीं दिया, रेशमा मिली नहीं, बात की नहीं, ये सब बेकार बातें हैं। रेशमा का भी एक ही वोट है, आपका भी एक ही वोट है, मेरा भी एक ही वोट है, हम सब मिलके बेलगाम तालुका में 2.25 लाख वोट है, कम नहीं है ये, किसको कम मत समझिए आप, गिन के लेना, मेरे पास सेंसस मेरा निकाला हुआ है अंजुमन की तरफ से, 1,74,374 वोट है हमारे, आप गिन के ले लीजिए, कोई बोलेगा कम है तो उसके बातों में मत आइए। हाँ, आपके लिए काफी मेहनत की है, मैंने भी थोड़ा बहुत कुछ किया है अपने जिंदगी में आपके लिए, उसका वास्ता आप सबको, उसका वास्ता आप सबको। हाँ, तमाम मसाजिद के सदर और अराकीन की जानिब से, नियामिन साहब की जानिब से, बिलखसूस पटेल सर की जानिब से आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुजफ्फर डोली साहब अपोजिशन लीडर की जानिब से भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।